हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी एक्ट्रेस इकरा अजीज़ की बायोग्राफी के बारे में। उनकी पूरी जर्नी शेयर करेंगे एंड उनके अब तक के अननोन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ भी शेयर करेंगे जो इससे पहले आप लोगों को नहीं पता होंगी। एंड उनकी दो कॉन्ट्रोवर्सीज थी जिसके बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें एंड इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझे फॉलो करें। इकरा अजीज़ एक एक्ट्रेस और एक मॉडल हैं। इकरा का जन्म 24 नवंबर 1997 कराची सिंध पाकिस्तान में हुआ। अगर हम बात करें इकरा की फैमिली के बारे में, इकरा के फादर अबुल अजीज़ जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं, इकरा जब काफ़ी छोटी थी तभी उनके फादर की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई। एंड इकरा की मदर जो कि फर्स्ट फीमेल करीम ड्राइवर हैं कराची की, इकरा के फादर की डेथ के बाद उनकी मदर को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा उनकी दोनों बेटियों को बड़ा करने में। इकरा की बड़ी बहन भी है जिसका नाम है सिद्रा अजीज़ जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। एंड इकरा की करंट एज है 25 ईयर्स। एंड अगर हम बात करें इकरा के एजुकेशन के बारे में तो अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है कराची से एंड अपनी बीकॉम की पढ़ाई कंप्लीट की है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। एंड अब बात कर लेते हैं इकरा के मैरिटल स्टेटस के बारे में। 7 जुलाई 2019 को यासिर हुसैन ने लक्स अवार्ड्स में इकरा अजीज़ को प्रपोज़ किया एंड उनकी इंगेजमेंट हुई। इसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में भी रहे क्योंकि इन दोनों के बीच का एज डिफरेंस था 11 ईयर्स का। एंड कुछ महीनों के बाद यानी कि 28 दिसंबर 2019 को इकरा अजीज़ एंड यासिर हुसैन ने शादी की। एंड जुलाई 2021 में इकरा अजीज़ एंड यासिर हुसैन जो कि एक बेबी बॉय के पेरेंट्स बने एंड बेबी का नेम रखा इन्होंने कबीर हुसैन। एंड अब बात कर लेते हैं इकरा की कॉन्ट्रोवर्सीज़ के बारे में। एंड इनकी पहली कॉन्ट्रोवर्सी है 2018 में इकरा एंड उनकी फैमिली एक फैमिली वेकेशन पर गए थे जहां पर इकरा ने अपनी एक बीच पिक्चर्स अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर कर दी जिसके बाद लोग उनके पीछे ही पड़ गए कि ये तुमने कैसी पिक्चर लगाई है। एंड इकरा ने बकायदा उन सभी ट्रोलर्स को रिप्लाई भी किया। इकरा ने कहा कि अगर उन्हें और उनकी फैमिली को इस बात से कोई मसला नहीं है तो आप लोगों को भी नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंड कॉन्ट्रोवर्सी थी वो इकरा और यासिर को लेकर थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 2019 में अवार्ड्स पे यासिर हुसैन ने इकरा को प्रपोज़ किया था जिसके बाद सभी लोगों ने उसे ट्रोल करना शुरू कर दिया, इनके एज गैप को लेकर भी ट्रोल किया। एंड आइए अब बात कर लेते हैं इकरा के करियर के बारे में कि आखिर किस तरीके से अपना करियर शुरू किया। इकरा जब 14 ईयर्स की थी तभी इकरा ने एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। इकरा की सिस्टर सिद्रा अजीज़ ने उसे इनक्रेज किया, उसे मोटिवेट किया कि उसे एक्टिंग में ज़रूर जाना चाहिए, उसे एक्टिंग करनी चाहिए। इकरा ने काफ़ी सारे टीवी कमर्शियल्स किए। उसके बाद 2014 में अपना पहला टेलीविजन डेब्यू दिया। ड्रामा का नाम था किसे अपना कहें। एंड 2015 में दो ड्रामास किए, मुकद्दस एंड मोल। 2016 में इकरा ने 6 ड्रामास किए, सोचा ना था, किसे चाहूं, दीवाना, लाज, छोटी सी जिंदगी और नाटक जैसे ड्रामा किए। 2017 में 3 ड्रामास किए, गैरत, गुस्ताख इश्क और खामोशी जैसे ड्रामास किए। एंड अब आता है इकरा के करियर का टर्निंग पॉइंट, सुनो चंदा। जी हाँ गाइस, 2018 में इकरा का ड्रामा सुनो चंदा आया था सीज़न 1, जिसके अंदर इकरा ने रोल प्ले किया था जिया का एंड इनके ऑपोजिट रोल प्ले कर रहे थे फरहान सईद। ऑल्सो 2018 में एक और ड्रामा आया था जिसका नाम है रांझा रांझा कर दी, ये भी इनका काफ़ी फेमस रहा। एंड 2019 में सुनो चंदा का सीज़न 2 आया। फैंस ने इकरा और फरहान की केमिस्ट्री को बेहद पसंद किया। 2020 में कसक और झूठी जैसे ड्रामे किए एंड 2021 में आता है बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान विच इज़ खुदा एंड मोहब्बत सीज़न 3। इस ड्रामा में इकरा के ऑपोजिट रोल प्ले किया है फिरोज़ खान ने एंड ये अब तक का एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा रहा इकरा एंड फिरोज़ खान का। अपनी ज़बरदस्त एक्टिंग की वजह से इकरा ने काफ़ी सारे अवार्ड्स भी जीते हैं एंड साथ में इकरा ने मोस्ट स्टाइलिश एक्ट्रेस का भी अवार्ड जीता है। और आइए अब बात कर लेते हैं हॉबीज़ एंड कुछ फेवरेट थिंग्स की। इकरा की हॉबी है ट्रैवलिंग एंड लिसनिंग म्यूज़िक। इकरा की फेवरेट डेस्टिनेशन है पेरिस। इकरा का फेवरेट फूड है बिरयानी। एंड आई होप कि आप लोगों को इकरा अजीज़ की जर्नी, उनकी बायोग्राफी पसंद आई होगी एंड ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी एंड इकरा के बारे में जानकर कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीवुड बजेंगा। थैंक यू।